हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुनील सलम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे DIY के बारे में। दोस्तों चलिए, सबसे पहले तो मैं एक वेस्ट प्लास्टिक की बोतल ले लेता हूं और उसके बाद आपको कार्ड के ऊपर कुछ इस तरह का पैटर्न तैयार करना है और बोतल के ऊपर यही पैटर्न हम बनाएंगे और उसके बाद जो भी बोतल की काट छाट होगी वो हम करेंगे। दोस्तों मैं पहले भी बहुत सारी DIY बना चुका हूँ पॉट, तो चाहो तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर सभी वीडियो है। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम इस पॉट के ऊपर आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हमने जो पैटर्न बनाया था उसको बोतल पर लगाने के बाद उसके ऊपर मार्कर की मदद से निशान बनाने हैं। तो जैसे ही ये पैटर्न है वैसे ही बिल्कुल निशान बनाने हैं और उसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा है हम उसको काटेंगे और इसका एक अच्छा सा पॉट बनाएंगे, हैंगिंग पॉट बनाएंगे। तो चलिए, ये मैं पैटर्न बना लेता हूँ जो भी बना हुआ है कागज़ के ऊपर हमने बनाया हुआ है। तो दोस्तों पहले भी मैं ऐसी DIY के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। और अपने घर पे जो प्लास्टिक की वेस्ट बोतल है उसके साथ हम पॉट बना सकते हैं और उसके अंदर प्लांट्स लगा सकते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो उस पैटर्न को बनाने के बाद हमें दोनों साइडों पर एक लाइन लगानी है, तो कुछ इस तरह से हम लाइन लगा देंगे और उसके बाद हम इस बोतल को काटेंगे, पॉट की शेप देंगे। तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है। तो ऊपर थोड़ा हम इसको अच्छा लुक देने के लिए थोड़ा गोलाई में शेप दे देंगे। तो ये हमारा पहले जो बोतल के ऊपर पैटर्न था वो तो बन चुका है, अब बारी है इसको काटने की। तो वो किस तरह हम काटेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा पैटर्न बन गया है। तो सबसे पहले तो जो साइडों पे लाइन खींची थी उसके अंदर वाला हिस्सा हम काटेंगे। तो ये मैं अंदर वाला हिस्सा काट दूँगा। तो ये हमें कुछ इस तरह से काटना है। ये मैंने अंदर वाला हिस्सा काट दिया है। दोस्तों हमें लाइन के थोड़ा इधर और उधर दोनों तरफ थोड़ी जगह छोड़नी है ताकि हमारा ऊपर वाला हिस्सा अलग ना हो जाए, हमें ऊपर वाला हिस्सा भी चाहिए। उसी के ऊपर हम रस्सी डालकर इसका हैंगिंग पॉट बनाएंगे। तो ये उल्टी बोतल होगी। तो ये हम पैटर्न को ध्यान से काटेंगे। पहले मैं इसके बीच वाला हिस्सा हटा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सारा हिस्सा हटा दिया है। तो ये अब बनकर कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब हम जो पैटर्न बनाया था उसके अंदर वाले हिस्से को काट लेते हैं। तो ये मैंने अंदर वाला एक हिस्सा काट दिया है। इसी तरह सारे अंदर वाले हिस्से जो पैटर्न के हैं वो काट दूंगा। ये देखिए बीच में से मैंने काट दिया है। इसी तरह मैं सारे जो निशान लगाए हैं मार्कर की मदद से उसके अंदर वाला हिस्सा काट दूंगा। तो जितने भी रह गए हैं सभी मैं काट दूंगा। और ये मैंने काट दिए हैं। अब काटने के बाद ये कुछ इस तरह से बन चुकी है। तो अब मैं रिमूवर की मदद से जो मार्कर के निशान हैं उनको मिटा दूंगा और उसके बाद इसके ऊपर कलर कर दूंगा। तो
ऊपर जहाँ पे हमें टांगनी है, हैंग करनी है, वहाँ पे हम दो छेद कर लेंगे, वहाँ पे हम रस्सी टांग डालकर इसको टांगेंगे, और जो ढक्कन है उसके अंदर भी बहुत सारे छेद कर देंगे। तो ढक्कन के ऊपर भी छेद कर देते हैं ताकि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो बना रहे, और जो हम प्लांट को पानी देते हैं उसका वेस्ट पानी इन छेद के छेद में से निकल जाए। तो मैं इसमें बहुत सारे छेद बना दूंगा ताकि हमारे पॉट में जो वेस्ट पानी है वो बिल्कुल भी जमा ना हो। तो ये मैंने छेद बना दिए हैं, और बनने के बाद ये कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब हम इसमें रस्सी डाल देंगे और उस पर पेंट कर देंगे। तो ये देखिए, ये पेंट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। तो दोस्तों, ये हमारे हमने फ्री में ही एक प्लांटर तैयार कर लिया है। इसमें अब हम कोई सा भी प्लांट लगाकर हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है, अब तो अब हम इसमें प्लांट भी लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, और हमारा कोई पैसा भी नहीं इसके ऊपर लगा। तो इसमें अभी मैं वेंटरिंग यू की कटिंग्स लगा दूंगा, जो बहुत आसानी से ग्रोथ हो जाती है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी चाहो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये मैं सारी कटिंग्स लगा दूंगा। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हमारा प्लांटर देखने में और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा प्लांटर जो पॉट है बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।